Hi guys, very good morning to all of you and welcome to all aboard. I hope I'm audible and visible to all of you clearly. आवाज आ रही है मेरी सारे लोगों को? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. टाइम से पहले तो नहीं आ गया हम, आई थिंक 1 मिनट बचा हुआ था अभी. ठीक, कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी. कभी कभी मैं 1 मिनट लेट भी हो जाता हूँ तो उसको रिकवर कर लेते हैं आज, है ना. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. सो मार्च 2022 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करेंट अफेयर्स एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. ओनली एमसीक्यूज विल कीप द सेशन अ क्विक सेशन, यू कैन से दैट. आई विल नॉट से शॉर्ट, शॉर्ट तो नहीं होने वाला है. डेफिनेटली 50 मिनट का रहेगा अप्रोक्सीमेटली मिनिमम, ठीक है. और कोशिश करेंगे कि सारे हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल एमसीक्यूज कवर हो जाए. सो इफ यू आर गोइंग टू राइट द अपकमिंग, मैं एग्जाम का लिस्ट बता देता हूँ. इफ यू आर गोइंग टू राइट द एग्जाम ऑफ ECGCPO, ESIC, UDC, ESIC, MTS, RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन, इफ यू आर गोइंग टू राइट एनी ऑफ दैम एग्जाम, ऑल्सो सेबी, अगर सेबी का भी एग्जाम है, सो दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. क्योंकि ये आपका बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस और इकोनॉमी रिलेटेड में क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाला हूँ सारे के सारे, ठीक है. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर विच यू हैव टू कवर दिस सेशन. आपको कवर करना चाहिए सेशन डेफिनेटली, ठीक है. स्टार्ट करूंगा सेशन को विद द फ्यू इन्फॉर्मेशन. ECGCPO का जो बैच है, न्यू बैच, प्रैक्टिस बैच हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द ऑलिव बोर्ड. The cost is 2500. You can opt for this batch at just 874 rupees by using the code ADITYA Aditya. So it will give you additional 5% discount. That 60% off is available. You will be able to get 65% off, 5% additional. That is the maximum discount available on the website on by using this code. So save your money, use the code. Second is Super Elite Package is the best offer if you are preparing for the multiple examination. आप banking के exam भी लिख रहे हैं, insurance के भी लिख रहे हैं, आपको test series भी चाहिए, तो फिर आपको use करना चाहिए banking Super Elite. On that also code Aditya will give you maximum discount. इस पर भी आपको Aditya code maximum discount दे देगा. तो आपको एक course पढ़ता है 2624 rupees का. एक बार check कर लेना when you will visit the ऑफिशियल वेबसाइट. आपको इस अमाउंट से कम अमाउंट नहीं लगेगा, नहीं मिलेगा किसी भी कोड पर. दिस इज द मिनिमम अमाउंट विद दिस कोड. चलिए, आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज भी अप हैं. इफ यू आर लुकिंग फॉर देम यू कैन गो एंड चेक ऑन द ऑलिबोर्ड वेबसाइट. सेम कोड आदित्य विल बी एबल टू सेव योर 800 to 900 रुपीज ऑन दीज कोर्सेज. 800 से 900 रुपए आपके बच जाएंगे इस कोर्स के ऊपर अगर कोड आदित्य यूज करते हैं तो. मैं स्टार्ट करूंगा सेशन को विद द क्वेश्चन नंबर वन. फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं सेशन को. अदर पीपल विल ज्वाइन अस इन सन टाइम, क्योंकि मैंने बिल्कुल टाइम पर ही स्टार्ट कर दिया था सेशन. सो मे बी दे विल बी ज्वाइनिंग आफ्टर 2 मिनट और 5 मिनट. क्वेश्चन नंबर वन इज कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई इनोवेशन हब. आरबीआई इनोवेशन हब के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट डिफाइन करना है. पॉइंट नंबर वन, गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांता दास इनॉग्रेटेड आरबीआई इनोवेशन हब इन बैंगलुरु. सिंपल क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब. इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है, बैंगलुरु है या हैदराबाद? दो ऑप्शन देता हूं मैं आपको बस. इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट. सेक्शन 8 का मतलब होता है इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी. सो इज इट अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी. एंड इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1000 करोड़ रुपी, 1000 करोड़ के इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट हुआ है. फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है आपका, मिस्टर राजेश बंसल इज द चेयरपर्सन ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब. दैट इज श्योर कि जो राजेश बंसल साहब हैं उनका कोई ना कोई रिलेशन जरूर है आरबीआई इनोवेशन हब के साथ, बट इज ही चेयरपर्सन? तो आंसर विल बी नो. आपका करेक्ट स्टेटमेंट आएगा ओनली ऑप्शन नंबर वन. दिस इज करेक्ट. अभी मैं एक बार डिटेल बोल देता हूं. आरबीआई इनोवेशन हब हेडक्वार्टर इज बेंगलुरु, करेक्ट. इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बट स्टार्टेड विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपी, इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपी. राजेश बंसल सर इज द सीईओ ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब. चेयरपर्सन इज एस के गोपाल कृष्णन सर. एस के गोपाल कृष्णन सर इज द चेयरपर्सन. एंड आरबीआई इनोवेशन हब became the fifth subsidiary of Reserve Bank of India, completely owned subsidiary of RBI. पांचवी completely owned subsidiary RBI की बनी है. तो ये आपके पास points हो गए, ठीक है. Detailed भी मैंने यहां पर दिया हुआ है. Next है, India merchandise export for the first time touched to how much? कितने रुपए के exports India ने किए हैं? तो 400 billion is the export of India for the first time in the financial year. हाँ भाई,
ट्रेड डेफिसिट भी इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द ट्रेड डेफिसिट इफ यू रिमेंबर द डेटा, बताइएगा फटाफट से चैट बॉक्स में कि ट्रेड डेफिसिट आपका क्या रहा। ट्रेड डेफिसिट मींस व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर, व्हेन द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया इज लो इंपोर्ट इज हाई, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट इंडिया का इंक्रीज हुआ है, अगर आपको याद हो एग्जैक्ट डेटा तो बताएंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अनाउंस द ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम फॉर द कॉर्पोरेट क्लाइंट विच विल प्रोवाइड सिंपल वे ऑफ कंपनीज टू सपोर्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट और एवेन्यूज। यूजुअली कंपनीज डू इन्वेस्ट इन दीज टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अंडर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसिलिटी। 192 बिलियन है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट की बात करूं तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट आया है फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 192 बिलियन एंड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज इट इज 87.5% हायर। योगेश ने भी आंसर किया है, करेक्ट आंसर है। चलिए इधर पर वापस आते हैं, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को अभी रिसेंटली किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो आपका करेक्ट आंसर है DBS बैंक लॉन्च द ग्रीन डिपॉजिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन डिपॉजिट, banks are accepting deposit, everyone knows this thing, banks are accepting deposits, these deposits are liabilities of bank, bank want to convert these liabilities in the form of assets, what are the assets of bank, loan is the biggest assets of bank, so loans are the assets of bank, bank want to convert their liabilities into their assets for generating profit. Green deposit means the deposit which will be utilized only for green loans. ऐसे डिपॉजिट जिनका यूज सिर्फ ग्रीन लोन्स के लिए किया जाएगा, द लोन्स फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सो दे आर कॉल्ड ग्रीन लोन्स। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू स्टार्ट ग्रीन डिपॉजिट सिस्टम वॉज येस बैंक। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया येस बैंक स्टार्टेड ग्रीन डिपॉजिट सिस्टम। ये याद रखेंगे, पहला बैंक जो था भारत का जिसने ग्रीन डिपॉजिट सिस्टम चालू किया था और ग्रीन बॉन्ड फैसिलिटी स्टार्ट की थी, दैट वॉज येस बैंक। DBS बैंक की बात करें, DBS बैंक हेडक्वार्टर इज मुंबई। सरोजित शोम इज द MD एंड CEO ऑफ DBS बैंक। DBS बैंक इज वन ऑफ द वेरी रेपुटेटेड बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी, रिसेंटली ऑनर्ड विद द मोस्ट इनोवेटिव इन द डिजिटल बैंकिंग बाय द फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन। द बैंकर डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से ऑनर किया गया है। वर्ल्ड बेस्ट बैंक अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का बेस्ट बैंक है, दे इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बेस्ट बैंक लिस्ट ऑन द टॉप। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन DBS बैंक इज द वर्ल्ड बेस्ट बैंक, एक और मैगजीन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बेस्ट बैंक है। DBS बैंक कोलैबोरेटेड विद द स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट दैट इज स्विफ्ट GPI फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। सो नॉट ओनली DBS बैंक, ICICI, HDFC, देयर आर मल्टीपल बैंक दोज हैव कोलैबोरेटेड विद द स्विफ्ट GPI फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। Now, according to the Global Finance, it is the safest bank of Asia. They appointed Sachin Tendulkar sir for increasing the online transaction safety awareness campaign. Means, एक campaign के लिए उन्होंने appoint किया था सचिन तेंदुलकर सर को। तो ये आपके पास सारे points हैं, few more points are there, which you can read with the help of PDF. अभी कुछ लोगों का question होगा, sir, PDF will be available at which place? एक आपका Telegram group है, GA Genius. GA Genius is the name of Telegram group. You can join this group. You can join the channel group. Both are available. Channel भी available है, group भी available है. 8000 plus आपके पास यहाँ पर students already इस group पर हैं. You can join this group for getting all the PDF or to take the support from the already working bankers. There are more than 500 already working bankers available on this group. आगे चले. Next point के तरफ. हाँ जी, नेक्स्ट वन, विच बैंक पार्टनर्ड विद द IPL टीम चेन्नई सुपर किंग टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भी किस बैंक ने कोलैबोरेट किया है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, तो करेक्ट आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक लॉन्च इट। ऑल्सो दिस कार्ड विल प्रोवाइड 1% फ्यूल सरचार्ज रिडिम्शन, मतलब आपको कुछ डिस्काउंट आप बोल सकते हो कि 1% का आपको कैशबैक मिल जाएगा ऑन HPCL फ्यूल पंप, हर एक HPCL के फ्यूल पंप पे।
आफ्टर दैट आईसीआईसीआई बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एमिरेट स्काईवर्ड्स के साथ भी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था. संदीप बख्शी नेम्ड एज द बैंकर बिजनेस बैंकर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2020-21. एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, दीज थ्री बैंक आर देयर इन द लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, द बैंक्स वेयर द टोटल कैपिटल ऑफ बैंक इज मोर देन 2% ऑफ द जीडीपी ऑफ द नेशन. दैट बैंक्स कम्स अंडर the category of domestic systematically important bank, and the risk associated with such bank is called systemic risk. Systemic risk means failure of such bank is can be called failure of complete banking system. Agar inme se koi bank fail ho gaya to ye kaha jayega ki Indian banking system fail ho gaya, collapse ho gaya. To ye aapke paas point hai sir, ICICI bank related. Few more points you can read from the help of PDF. मैं इसलिए बोलता हूं कि आप सेशन लाइव अटेंड करें फॉर एमसीक्यूज एंड डाउनलोड द पीडीएफ फॉर रीडिंग द एक्स्ट्रा पॉइंट्स. एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप पीडीएफ की हेल्प से कवर कर सकते हैं. ठीक है, आगे आ जाएं. इक्वाडस स्मॉल फाइनेंस बैंक, दिस बैंक आल्सो कोलैबोरेटेड विद सीएसके. चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इन्होंने भी कोलैबोरेट किया है, बट टू लॉन्च सीएसके डेबिट कार्ड. आईसीआईसीआई कोलैबोरेटेड फॉर क्रेडिट कार्ड. इक्वाडस स्मॉल फाइनेंस बैंक कोलैबोरेटेड फॉर डेबिट कार्ड. तो ये फर्स्ट डिफरेंस आपको याद रखना है कि इक्वाडस ने डेबिट लॉन्च किया है, आईसीआईसीआई ने क्रेडिट लॉन्च किया है. ये फर्स्ट डिफरेंस आपको यहां पर याद रखना है. इक्वाडस स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 फॉर्म हुआ. चेन्नई इज द हेडक्वार्टर. वीपी नरसिम्हन सर इसके एमडी एंड सीईओ हैं. इट्स फन बैंकिंग इज द टैगलाइन ऑफ द बैंक. आगे चले. कैबिनेट अप्रूव्ड 808 million प्रोग्राम फॉर मिलियन प्रोग्राम फॉर रैंप स्कीम. इतना अमाउंट इश्यू किया है फॉर द रैंप स्कीम. व्हाट इज पी इन रैंप स्कीम? रैंप स्कीम में पी क्या है सर? अभी रैंप स्कीम न्यूज में था. इट इज रनिंग इन इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंप स्कीम को इंडिया में रन कर रही है, आप ये बोल सकते हैं. सो दिस रैंप स्कीम इज रनिंग इन इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से इसको रन किया जाता है. फुल फॉर्म इज राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस. राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, दिस इज द फुल फॉर्म. सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? परफॉर्मेंस. मैं जानता हूं प्लेटफॉर्म प्रोग्राम इट वॉज कमिंग इन माइंड. ज्यादातर आपके दिमाग में प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम आ रहा था. तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका बनेगा Rising and accelerating MSME performance. P का full form performance हो रहा था यहां पर. ठीक है, 808 million का amount issue किया है, cabinet ने approve किया है. Now from this amount, now out of this amount the total amount 3570 करोड़ रुपए, approximately 500 million is the support from World Bank. ये भी याद रखना है that RAM program implemented in India with the support of World Bank. Out of the total amount of 800 million, 500 million is the support from World Bank, 308 million is the support from Government of India. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. MSME related ये स्कीम है आपकी. MSME, Micro Small Medium Enterprises. ठीक है, point clear. Next है, which bank partnered with Easy Trip to launch environment friendly green international debit card by using 99% recycled PVC material. अभी किस बैंक ने लॉन्च किया है सर? 99% recycled PVC material का यूज करते हुए. तो करेक्ट आंसर है आपके पास सेम DBS बैंक. वही हमारा सेम DBS बैंक जो है, DBS बैंक ने अभी ग्रीन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, ग्रीन डेबिट कार्ड, सॉरी, इट इज कॉल्ड ग्रीन डेबिट कार्ड. सो विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन डेबिट कार्ड सिस्टम इन इंडिया? सो करेक्ट आंसर इज DBS बैंक. DBS बैंक ने लॉन्च किया है. पॉइंट क्लियर. चलिए स्किप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है. जहां पर भी आपको लग रहा है कि सर दिस पॉइंट इज अवे फ्रॉम अस और वी आर अनेबल टू आंसर, स्किप करें उस पॉइंट को. आरबीआई रिसेंटली लॉन्च द जियो टैगिंग फ्रेमवर्क फॉर द पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट इन इंडिया. सो आरबीआई सेड दैट द बैंक्स और एनबीएफसीज दे हैव टू डू द जियो टैगिंग ऑफ देयर माइक्रो एटीएम्स, देयर एटीएम फैसिलिटीज, देयर कियोस्क. सो इट विल बी इजी फॉर द कस्टमर to reach out such places easily with the help of geotagging. This statement or this order has been issued by Reserve Bank of India according to Section 10, Section 18 of Payment and Settlement Act. Sir, हमको pick क्या करना है यहाँ से point? आपको Act का नाम और Section याद रखना है. According to Section 10 and Section 18 of Payment and Settlement Act 2007, RBI issues the guideline
फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेटीएम सिस्टम टच पॉइंट विद द जियो टैगिंग इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये आरबीआई की सब्सिडरीज हैं, द रीसेंट सब्सिडरी ऑफ आरबीआई इज आरबीआई इनोवेशन हब, हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर में है। ठीक है, आरबीआई रिलेटेड न्यूज, लॉट्स ऑफ न्यूज आर देयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज वर्निका, दिख रहा है कहीं पे वर्निका, वर्निका 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 इस पॉइंट पर नहीं है शायद। अच्छा ये रहा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, आई डोंट थिंक यहां पर लिखा हुआ है वर्निका, बट देयर इज अ इंक इंक मैन्युफैक्चरिंग प्रेस, इंक मैन्युफैक्चरिंग प्रेस वर्निका, इट इज लॉन्च्ड इन मैसूर। कहां पर लॉन्च किया गया इसको? मैसूरु में लॉन्च किया गया वर्निका को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनेगा, इसको कवर कर लें सारे पॉइंट्स को। ऑल द पॉइंट्स आर रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट यू कैन कवर विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है विच यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द जीए जीनियस टेलीग्राम ग्रुप, वो आपको मिल जाएगा जीए जीनियस टेलीग्राम ग्रुप पर। आगे चले, नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेट द टारगेट अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ आप बोल सकते हो कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग दिस मच अमाउंट ऑफ लोन इन द मार्केट, इट इज अ लेंडिंग टारगेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ लेंडिंग टारगेट फॉर नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विच इज द न्यू एंटिटी फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज द फिफ्थ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसको इंडिया में फिफ्थ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है, फिफ्थ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है। करेक्ट आंसर इज 1 लाख करोड़ रुपए। सो गवर्नमेंट हैज गिवन द टारगेट ऑफ 1 लाख करोड़ रुपए टू नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2022-23। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ इस? मिस्टर के वी कामत सर इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ आरबीआई इज गोइंग टू रेगुलेट इट अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर आरबीआई एक्ट 1934। सो इट विल बी द फिफ्थ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अदर फोर आर एक्सिम, नाबार्ड, एनएचबी एंड सिडबी, ये हमारे बाकी के चार हैं। द फिफ्थ वन विल बी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। देखिए आज हम इन पॉइंट्स को इजीली कर लेते हैं, बट इन एग्जामिनेशन देयर इज अ पैटर्न, लाइक इफ यू आर राइटिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, दे कैन क्रिएट द पापा क्वेश्चन ओवर इट, दे कैन आस्क यू दैट व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो पेड अप कैपिटल आपका 20,000 करोड़ है, ऑथराइज कैपिटल आपका 1 लाख करोड़ रुपए है, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरपर्सन इज मिस्टर के वी कामत। तो ये आपका मैंने हर एक डिटेल यहां पर जो पॉसिबल हो सकता है वो मैंने आपको यहां पर बताया। नेक्स्ट है, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफ गारंटी स्कीम। फर्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द स्कीम फॉर 2 years टिल मार्च 2024। सेकेंड पॉइंट, the total amount sanctioned under this scheme has been increased from 4.5 lakh to 5 lakh crore rupees, 4.5 lakh crore se badhakar iska 4.5 lakh crore rupees se badhakar 5 lakh crore rupees kar diya gaya, 4.5 lakh crore to 5 lakh crore। ECGC was announced under Atmanirbhar Bharat package, is it, by the central government to provide additional credit, additional collateral free credit to the MSMEs, business individual loan फॉर द बिजनेस पर्पस एंड मुद्रा बोरोवर्स। तो एडिशनल लोन प्रोवाइड करने के लिए ECGC को लॉन्च किया गया था। क्या आंसर होगा? अच्छा मार्च 2023 है, वेरी गुड। सो पॉइंट नंबर 2 इज करेक्ट, पॉइंट नंबर 3 इज करेक्ट। फर्स्ट में प्रॉब्लम ये है, इट इज लॉन्च्ड फॉर 1 year, इसको 1 year के लिए लॉन्च किया गया है एंड इट विल बी इंप्लीमेंटेड टिल मार्च 2023। नाउ टोटल अमाउंट एलोकेटेड अंडर दिस स्कीम इज 5 लाख करोड़ रुपए, इट वॉज लॉन्च्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत टू प्रोवाइड एडिशनल कोलेट्रल फ्री लोन टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑल्सो मुद्रा लोन्स इन इंडिया। आगे चले, ये वो इसी का डिटेल मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, मैं थोड़ा सा कमेंट्स देख लेता हूं, आप लोग जरा क्वेश्चन को रीड करिएगा। हाँ भाई, किसी का कोई डाउट यहां तक तो नहीं है? आंसर आ रहे हैं सर, सिडबी में अप्रैल का करंट अफेयर्स आएगा ना? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, अप्रैल का करंट अफेयर्स भी आएगा, डेली अटेंड करें टीएनए में। एसबीआई कार्ड हैज पार्टनर्ड विथ नेचर बास्केट टू लॉन्च इंटरनेशनल गवर्नमेंट कार्ड, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई कार्ड? एसबीआई कार्ड के सीईओ कौन है सर?
तो करेक्ट आंसर है राममोहन राव अमारा सर। एसबीआई कार्ड वॉज लॉन्च इन द ईयर 1998। इट इज अ सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इट्स अ प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसबीआई हेडक्वार्टर इज मुंबई बट द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई कार्ड इज लोकेटेड इन गुरुग्राम। राम मोहन राव अमारा सर इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एम टू रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम of providing loan to the MSME from 3 months to how many days or hours through the digitization. SIDBI ने टारगेट रखा कि MSMEs को लोन इशू करने में अभी जो एक एवरेज टाइमिंग है वो 3 months का आ रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल इस सब में 3 months का टाइम आ रहा है। सो 3 months के टाइम को डिक्रीज करके 72 hours तक लेके आने का टारगेट रखा है किसने, SIDBI ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। अच्छा टेल मी 3 point, SIDBI registered under which act, SIDBI started on which date and who is the CMD of SIDBI at present. 3 point बताएंगे, कौन से act में register है, कब start हुआ, current में CMD कौन है। तो यहां पर आपका answer बन रहा है 72 hours। Next question पे move कर गया हूं मैं without sharing the detail of SIDBI। लखनऊ एस रमन, दो आंसर आ गए भाई। SIDBI headquarter is लखनऊ, CMD कौन है अभी current में, एस रमन सर है। हाँ भाई act कौन सा है, एक्ट इज 1989 एक्ट स्टार्टेड फ्रॉम, प्रियंका का भी आंसर आ गया, SIDBI एक्ट 1989 सेकेंड ऑफ अप्रैल 1990 से स्टार्ट हुआ है, लखनऊ हेडक्वार्टर, एस रमन सर चेयरपर्सन। बहुत बढ़िया सारा डिटेल मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च एन एकेडमी इन द कोलैबोरेशन विद नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम एन इनिशिएटिव ऑफ NSDC। सो करेक्ट आंसर है आपके पास रुपीक। Rupeek, so Rupeek has launched, has announced to launch the academy. इन्होंने announce किया है एक academy launch करने के लिए. They announced to launch an academy for the people those are looking for the career opportunities in the Indian gold loan industry. So for providing the loan, first of all, bank has to do the valuation. Bank or financial institutions, they have to do the valuation. For these valuation, this academy, Rupeek academy, will be training the people that how you can do the valuation of gold, what is the method of the valuation of gold in a proper pattern. So that is what the academy will do. Live Quick was also in news. It became the first fintech to achieve RBI PPI interoperability guideline, that the amount can be transferred from one wallet to another wallet. Matlab aap पेटीएम वॉलेट से फोन पे वॉलेट पे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इंटरपोर्टेबिलिटी। तो लीव क्विक इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट एनबीएफसी टू अचीव दिस टारगेट। टिप्स, ट्विटर पार्टनर्ड विद पेटीएम टू बूस्ट टिप्स फीचर इन इंडिया। टिप्स मीन्स इफ यू हैव एनी, क्या बोल सकते हैं, दैट इफ यू आर अ फैन ऑफ एनी आर्टिस्ट एंड यू वॉन्ट टू गिव सम टिप्स टू दैट आर्टिस्ट, दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस टिप्स फैसिलिटी ऑन ट्विटर। टोन टैग कोलॉबरेटेड विद NSDL पेमेंट बैंक NPCI टू लॉन्च वॉइस से UPI पेमेंट सर्विस। वॉइस से UPI पेमेंट सर्विस इज बेस्ड ऑन UPI 123 पे। UPI 123 पे के थ्रू ये काम करता है, विच इज अ ऑफलाइन फैसिलिटी। एनी आर्टिस्ट, यस, फैन ऑफ एनी आर्टिस्ट, करेक्ट है। यहां तक का पॉइंट क्लियर होगा। हाँ जी भाई, आप लोगों को भी बिल्कुल भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और टुडे मॉर्निंग वी हैव डिस्कस्ड इन द TNA दैट BR अंबेडकर सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत बड़े, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए। ऑल्सो महावीर जयंती इज देयर टुडे, सो दोज हु आर फॉलोइंग द जैनिज्म फॉर देम हैप्पी महावीर जयंती आप सब लोगों को। वो तो मेरे हिसाब से भी मंदिर में होंगे, अभी शायद ही कोई हो जो फॉलो कर रहे हैं और अभी सेशन देख रहे हो, फिर भी बाद में देखेंगे। तो महावीर जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आगे मूव करता हूँ अगले क्वेश्चन पे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सैंक्शन 4,000 करोड़ रुपए। कितना अमाउंट, 4,000 करोड़ रुपए फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर द स्टेट उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट के लिए इस अमाउंट को इश्यू किया गया। इट इज द बिगेस्ट अमाउंट, लार्जेस्ट अमाउंट इश्यूज बाय नाबार्ड फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट इन द RIDF फंड फॉर द
रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे बड़ा अमाउंट है 21-22 के लिए 4,000 करोड़ रुपए का जो इश्यू किया गया। नाबार्ड की और बात करें, सो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक साइंड MOU विद नाबार्ड फॉर द स्टेट लेवल लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम लिटरेसी रेट टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट एट द बेसिक लेवल। नाबार्ड कोलोबरेटेड और साइंड 3 MOUs विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली ऑल 3 MOUs आर रिलेटेड टू FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड द लोन। नब संरक्षक नाबार्ड स्टार्टेड सब्सिडरी कॉल्ड नब संरक्षण विथ द अमाउंट ऑफ 1,000 करोड़ रुपी क्रेडिट गारंटी फंड फैसिलिटी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोलोबरेटेड विथ नाबार्ड फॉर PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली। आगे चले, GR चिंताला सर हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एशिया पैसिफिक रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाबार्ड इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1981 एक्ट में रजिस्टर्ड है। Tell me the exact date on which NABARD was started. NABARD started on the recommendation of Crafi Card Committee. Committee ka naam tha Crafi Card Committee. Crafi Card Committee, that the chairperson of this committee was Mr. B. Shiva Raman. That is why the committee was also known as Shiva Raman Committee. Haan bhai, date bhar bata do aap mujhko. So here's the date, 12 July 1982. Kitne logon ne answer kiya tha? 2nd July nahi hai, 12 July hai. 12 जुलाई 1982 को स्टार्ट हुआ है, रजिस्टर्ड अंडर द नाबार्ड एक्ट 1981 के एक्ट में रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। इट इज रिलीज्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। सेकंड पॉइंट, इट इज द सेकंड एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हैज रिटेन द टॉप पोजिशन इन द हिमालयन स्टेट इन द सेकंड एडिशन ऑफ नीति आयोग। देखो, नीति आयोग ऑलरेडी लिखा हुआ था यहां पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1 इज रॉन्ग। पहला पॉइंट आपका गलत है। क्यों गलत है? द रिपोर्ट इश्यूज बाय नीति आयोग। हु इश्यूज द रिपोर्ट? रिपोर्ट इश्यूज बाय नीति आयोग। इट वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ रिपोर्ट इश्यूज इन 2022। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सेकेंड एडिशन का रिपोर्ट आया है। हिमालयन स्टेट उत्तराखंड इज ऑन टॉप इन दिस इंडेक्स। तो उत्तराखंड इस इंडेक्स में कहां पर रहा है? टॉप पर रहा है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल स्टेट कैटेगरी में विच स्टेट वॉज ऑन टॉप? याद है किसी को नॉर्मल स्टेट कैटेगरी में कौन सा स्टेट टॉप है? बिग स्टेट कैटेगरी की बात करें तो गुजरात इज ऑन टॉप इन द बिग स्टेट कैटेगरी। जी, गुजरात इज ऑन टॉप इन द बिग स्टेट कैटेगरी, राइट। नेक्स्ट, इंडिया रेटिंग हैज प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23। 7-7.2% का जीडीपी रेट इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। प्रीवियस प्रिडिक्शन वॉज 7.6%। सो 7.6% से प्रिडिक्शन कम करके 7-7.2% का प्रिडिक्शन अभी इन्होंने दिया है। आगे चले, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ऑथराइज अ वर्ल्ड बैंक बैक्ड प्रोग्राम ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ रूपी टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक बैक्ड कितने रुपए का प्रोग्राम अभी रिसेंटली अनाउंस किया है? तो करेक्ट आंसर है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड इन द न्यू फॉर्मेट, 808 मिलियन। अभी मैंने आपसे रैंप का फुल फॉर्म पूछा था। नाउ दे कैन आस्क इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो दैट व्हाट इज द अमाउंट। तो 808 मिलियन का अमाउंट है, वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम इट इज। फुल फॉर्म इज राइजिंग एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, रैंप। नेक्स्ट है, विच बैंक पार्टनर्ड विथ क्विक आईडी टू इंप्लीमेंट द डिजिटल KYC, वीडियो KYC, eKYC across the network in India। किस बैंक ने रिसेंटली कोलोबरेट किया है क्विक आईडी के साथ, दैट नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू आर कस्टमर वीडियो KYC, ऑनलाइन KYC और डिजिटल KYC इन eKYC। तो इनकी फैसिलिटीज से कस्टमर्स इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कोलोबरेट किया। बढ़िया आंसर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कोलोबरेट किया है। ठीक है, यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हैं? चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 21st of December 1911 को इसका फॉर्मेशन हुआ। मातम वेंकट राव सर इज द MD एंड CEO। सेंट्रल टू यू सिंस 1911। सेंट्रल टू यू सिंस 1911 इज द टैगलाइन। बढ़िया बढ़िया टैगलाइन है, याद रहता है आपको कि कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट बैंक टू इंप्लीमेंट द वीडियो KYC इन इंडिया वॉज कोटक महिंद्रा बैंक। बढ़िया डेटा, याद रखेंगे, फर्स्ट बैंक टू इंप्लीमेंट द वीडियो KYC फैसिलिटी इन इंडिया वॉज कोटक महिंद्रा। नेक्स्ट है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड
फर्स्ट इंश्योरेंस बेस्ड डिजिटल कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम कॉल्ड वॉल्ट। तो वॉल्ट लॉन्च किया है किसने? एचडीएफसी अर्गो ने। एचडीएफसी अर्गो हेडक्वार्टर इज मुंबई, रितेश कुमार इज द एमडी एंड सीईओ। सेंट्रल बैंक इज गोइंग टू सेल हाउ मच परसेंट स्टैक ऑफ ओएनजीसी। सरकार ने अनाउंस किया है दैट दे आर गोइंग टू डू द डिसइन्वेस्टमेंट इन ओएनजीसी टू रेज द फंड फ्रॉम मार्केट ऑफ 3000 करोड़ रुपए। 3000 करोड़ रुपए का जो है मार्केट से गवर्नमेंट चाहती है कि वो फंड कलेक्ट करे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 1.5% स्टैक सेल करने का अनाउंसमेंट किया। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ओन 16.41% ऑफ ओएनजीसी। ओएनजीसी हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, सुभाष कुमार सर इसके सीईओ है, ठीक है। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट, अच्छा, व्हेनेवर गवर्नमेंट इज डूइंग द डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट विल गेट दिस 3000 रुपी फंड। This fund will be the part of revenue receipt or it will be the part of capital receipt. तो हमारे बजट में ये revenue receipt में जाएगा या capital receipt में जाएगा, बताएंगे आंसर आप लोग। आगे चल रहा हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये revenue receipts का पॉइंट होगा या capital receipts का पॉइंट होगा। CEO ONGC चेंज हुई ना, मैम बनी थी क्या? कैपिटल लिख रहे हैं, रेवेन्यू लिख रहे हैं, ओएनजीसी अलका मित्तल मैम गॉट द एडिशनल चार्ज ऑफ ओएनजीसी चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर। ये अभी अपन ने शायद उस दिन टीएनए में भी किया था इसको कवर। अलका मित्तल मैम सीएमडी ऑफ ओएनजीसी। हाँ ठीक है ना। हाँ भाई, कैपिटल रिसिट होगा, रेवेन्यू रिसिट याद रखेंगे। द फंड विच इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिट। इट इज कॉल्ड नॉन डेट कैपिटल रिसिट। इसको कहा जाता है नॉन डेट कैपिटल रिसिट। डेट कैपिटल रिसिट मीन्स गवर्नमेंट इज बोरोइंग लोन, और इसको कहा जाएगा नॉन डेट कैपिटल रिसिट। आगे मूव कर रहा हूं नेक्स्ट वन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 3102 करोड़ रुपी विद BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू सप्लाई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फॉर द फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, BEL फाउंडेड इन द ईयर 1954, बेंगलुरु इज द हेडक्वार्टर, आनंदी रामलिंगम मैम इज द CMD, और अभी रिसेंटली इन्होंने 3100 करोड़ रुपी का MOU साइन किया विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑल्सो साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद BEL कर्नाटका, BEL हैदराबाद फॉर 3102 करोड़ रुपी फॉर टू बाय द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फॉर द एयरक्राफ्ट। वही का वही न्यूज है आपका पूरा का पूरा इन डिटेल। इफ यू वॉन्ट टू कवर दैट इन डिटेल यू कैन टेक इट फ्रॉम द हेल्प ऑफ PDF। आप PDF की हेल्प से इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अगला क्वेश्चन। Consider the correct statement about the Security and Exchange Board of India. SEBI is a regulator for the security commodity market under the ownership of Ministry of Finance, Government of India. Is it working under Ministry of Finance? Is it controlling to commodity market also? Point number one. Second, it was established on 2nd of April 1989 and got the statutory powers on 30th of January 1990 through the SEBI Act 1992. Madhvi Puri Butch ma'am appointed as the new chairperson. She is the second woman to head the security market. Kya answer hoga? Only one. Sir, iska PDF milega? Bata dein. PDF milega bhai. PDF will be available on the Telegram group. GA Genius कहां पर होगा? तो टेलीग्राम ग्रुप GA Genius पर ही आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। यहां से कर लें, यहां से आपको PDF मिल जाएगा। आंसर्स क्या क्या बन रहे हैं आपके? आंसर आपके बन रहे हैं ओनली फर्स्ट, सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेबी एक्ट 1992 SEBI got the statutory powers on 13th of January 1992. SEBI started on
12 अप्रैल 1988 होना चाहिए यहां पर, ठीक है। यहां पर शी इज द फर्स्ट वुमेन, शी इज द फर्स्ट वुमेन, माधवी पुरी बुच मैम करेक्ट है, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को लीड करने वाली पहली महिला होंगी, ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन बेस्ड इन आनंद गुजरात। हाँ भाई क्या आंसर होगा इसका? ये हालांकि अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, वी आर नॉट प्लानिंग इट टू टेक, बट व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन बेस्ड इन आनंद गुजरात, के एस मानी सर, के एस मानी सर। अच्छा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरपर्सन कौन है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरपर्सन कौन है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरपर्सन, हु इज द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरपर्सन? मनीष शाह इज द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरपर्सन, इसमें कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक? आईडीबीआई बैंक के सीईओ वापस से अपॉइंट हुए हैं राकेश शर्मा सर। राकेश शर्मा सर हैज बीन रीअपॉइंटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 2022 टिल मार्च 2025 तक इनको अपॉइंट किया गया, 3 ईयर्स का रीअपॉइंटमेंट हुआ है। अनुभत्रा विश्वास एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक। रितेश शुक्ला कौन है? तो रितेश शुक्ला इज द सीईओ ऑफ इंटरनेशनल एनपीसीआई, इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट हर्षा भूपेंद्र भंगारी एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। माधवी पुरी बुच मैम सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिंपल पॉइंट्स हैं, सारे कवर हो गए। राकेश शर्मा सर अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ फॉर हाउ मेनी ईयर्स? बताएं, देखें आपकी मेमोरी कितना बढ़िया काम करती है। राकेश शर्मा सर अपॉइंटेड एज द रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक, ठीक है सर। सो आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ कितने ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर है 3 ईयर्स। आईडीबीआई बैंक वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1964, इट वॉज स्टार्टेड एज द इंडस्ट्रियल बैंक 1976 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द ओनरशिप ऑफ आईडीबीआई वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2002। आईडीबीआई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कमर्शियल बैंक, प्रीवियसली इट वॉज अ इंडस्ट्रियल बैंक। सो 2002 में इसको बना दिया गया कमर्शियल बैंक, स्टार्टेड प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू अस एंड देन कन्वर्टेड टू द प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद इसको प्राइवेट बैंक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। नाउ आईडीबीआई लिस्टेड एज अ प्राइवेट बैंक इन इंडिया। बाय द वे मेजोरिटी ऑफ स्टॉक इज स्टिल होल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रोक्सीमेटली 95% स्टॉक जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। आगे चले अगले पॉइंट की तरफ। विच बैंक टाइड अप विथ महाग्रामा फिनटेक फॉर द बैंक सखी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा? करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर पुणे। ए एस राजीव सर सीईओ है, 1935 में फॉर्मेशन हुआ था। नाबार्ड के साथ भी इन्होंने अभी रिसेंटली कोलाबरेट किया। नेक्स्ट है, कंसीडर द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो भाई हमारी आदत पड़ गई है करेक्ट करेक्ट पढ़ने की। कंसीडर द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द रीसेंट न्यूज ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर वन, गवर्नमेंट अप्रूव्ड 20% एफडीआई वाया ऑटोमेटिक रूट। द एफडीआई सीलिंग ऑफ एलआईसी हैज बीन मेड एट पार ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इक्वल टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। द लिमिट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया 74%, एफडीआई लिमिट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर 74%। क्या आपका करेक्ट आंसर बन रहा है? आपसे पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। सो पॉइंट नंबर टू इज रॉन्ग, पॉइंट नंबर टू इज रॉन्ग। अब ध्यान से सुनो, पॉइंट नंबर वन इज करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 20% एफडीआई इन एलआईसी, एलआईसी में 20% एफडीआई अनाउंस कर दिया है, ठीक है, थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द सीलिंग इज इक्वल टू द प्राइवेट बैंक, दिस इज रॉन्ग। द लिमिट ऑफ एफडीआई, लिमिट ऑफ एफडीआई फॉर द प्राइवेट बैंक इज 74%, not 20%. Limit of FDI for public sector banks is 20%. तो public sector bank के equal FDI LIC में approve किया है। The limit of FDI in insurance sector is 74%, which was increased recently from 49% to 74. So 49 से increase करके 74% किया गया। तो as par with the public sector bank होना चाहिए instead of private sector bank.
कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ई बिल सिस्टम रिसेंटली इन न्यूज. ई बिल सिस्टम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली. सो फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेज ई बिल सिस्टम टू एनेबल पेपरलेस सबमिशन एंड डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ बिल्स. ई बिल सिस्टम वॉज लॉन्च्ड ऑन 46th सिविल एविएशन डे, दैट इज 2nd of March 2022. ई बिल सिस्टम डेवलप्ड बाय एनपीसीआई. तो करेक्ट आंसर है पॉइंट नंबर वन इज करेक्ट, पॉइंट नंबर टू इज करेक्ट. E-bill system is a system where any vendor which is providing the goods or services to government of India can raise their billing online. Electronically, वो अपना billing generate कर सकते हैं. Point number two is it was launched on 46th Civil Account Day. मैंने aviation बोल दिया था, I think by mistake. Civil Accounts Day को इसको launch किया गया, that is 2nd of March 2022. E-bill system developed by NPCI is wrong. ये गलत है सर. It is developed by Public Financial Management System Division of Ministry of Finance. Ministry of Finance, and it will have first come first serve facility. Means those who are putting their bill first, their payment will be first. First come first serve facility के आधार पर इसको implement किया जा रहा है to all the vendors those are providing goods and services to government of India at any point of time in India at anywhere. Recently, Japan and India signed a bilateral swipe agreement of how much amount of rupee? Renewed actually. It was signed in the year 2018. Now they renewed it. What is the amount of it? So 75 billion ka amount hai bilateral agreement ka. It is in between India and Japan. It was signed in 2018. Now they have renewed it. I have already discussed the bilateral swipe agreement, currency swipe agreement in very detail two times. One time with Japan example, one time in the example of Sri Lanka. तो ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है. जापान की बात करें, सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान मिस्टर सिंजो अबे रिसेंटली ऑनर्ड विथ नेताजी अवार्ड 2022. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेताजी अवार्ड 2022 से इनको ऑनर किया गया है. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान तिकोई, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान तिकोई केफू हैव पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 91. जापान ऑस्ट्रेलिया साइंड लैंडमार्क एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट टू सप्रेस द पावर ऑफ चाइना. एक्चुअली जापान इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड फर्स्ट ड्वेल मोड व्हीकल विच कैन रन ऑन ट्रैक, रेलवे ट्रैक एज वेल एज ऑन रोड. तो ड्वेल मोड व्हीकल लॉन्च किया इन्होंने, ठीक है. जापान इंडिया स्वाइप द साइन द कोलेट्रल एग्रीमेंट. एक्स धर्मा गार्डियन इज द डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान. 2022 इज द थर्ड एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, थर्ड एडिशन इस एक्सरसाइज का. आगे चलें अगले क्वेश्चन पर. विच बैंक एंटर्ड इन द बैंक एश्योरेंस पैक्ट विद स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस टू ऑफर द हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया. तो हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करने के लिए साउथ इंडियन बैंक ने रिसेंटली स्टार हेल्थ एलाइड सर्विसेज के साथ में कोलैबोरेट किया है. साउथ इंडियन बैंक 1929 स्टार्ट हुआ, थ्रिसूर केरला हेडक्वार्टर, मुरली रामकृष्णन सर एमडी एंड सीईओ, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग इज द टैगलाइन. तो ये टैगलाइन हो गया. साउथ इंडियन बैंक वॉन यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द बेस्ट ऑटोमेशन अंडर द क्राइसिस ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. एट द टाइम ऑफ कोविड दे वर डूइंग कंटिन्यूअसली द ऑटोमेशन. बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद द डिजिटल विद द स्टार हेल्थ फॉर सेलिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन इंडिया. रिमेनिंग डिटेल वी हैव डिस्कस्ड. विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद टॉफी इंश्योरेंस, टॉफी इंश्योरेंस दैट नॉट खाने वाला टॉफी इज द नेम ऑफ कंपनी, टॉफी इंश्योरेंस टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्री ऑफ चार्ज फुल रिफंडेबल मेडिकल पॉलिसी दैट प्रोवाइड एडिशनल ट्रेवल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द कस्टमर्स. तो करेक्ट आंसर है सर, इज माय ट्रिप कोलैबोरेटेड विद टॉप इंश्योरेंस. व्हेन यू विल बी बुकिंग योर फ्लाइट्स और अदर फैसिलिटीज, होटल ट्रेवल फ्रॉम इज माय ट्रिप, यू विल बी गेटिंग एडिशनल बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद द मेडिकल एक्सपेंडिचर रिफंड्स, एडिशनल ट्रेवल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर. मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं. एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक वर्ड नहीं आ रहा है दिमाग में, कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए इज माई ट्रिप ने टॉफी इंश्योरेंस के साथ कोलॉबरेट किया है. नेक्स्ट,
विच बैंक लॉन्च्ड एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विथ एनपीसीआई? सो एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन कोलाबोरेशन विथ एनपीसीआई रिसेंटली. विच बैंक साइंड एग्रीमेंट विथ एम्बिट फिनवेस्ट फॉर द को लेंडिंग टू एमएसएमई? सो रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कोलाबोरेटेड विथ एम्बिट फिनवेस्ट फॉर द लेंडिंग को लेंडिंग फैसिलिटी टू एमएसएमई. इट विल प्रोवाइड द एमएसएमई क्रेडिट वर्दिनेस इन द 11 स्टेट विच इज कवर्ड बाय द एम्बिट फिनवेस्ट. एम्बिट फिनवेस्ट इज अ फिनटेक कंपनी, फाइनेंशियल टेक कंपनी है. इट इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी विच इज रनिंग देयर बिजनेस ऑनलाइन. सो दे कोलाबरेटेड विद यूनियन बैंक रिसेंटली. यूनियन बैंक स्टार्टेड इन द ईयर 1919 मुंबई महाराष्ट्र. हेडक्वार्टर राज किरण राय जी इज द एमडी सीईओ. गुड पीपल टू बैंक विथ इज द टैगलाइन यूनियन बैंक. अदर पॉइंट्स विच यू कैन कवर विद द हेल्प ऑफ PDF, but the most important point is here, point number 3. Vedanta Limited tied up for 8,000 crore rupee replacement facility of the Union Bank. For take my example, actually Vedanta Group borrowed a consortium finance during the COVID time mein unhone consortium finance means 10,000 crore rupee ka loan borrow kiya tha, where SBI was the leading bank. SBI was providing this loan at 10.5%. Now Union Bank said that if you will replace SBI as a leading bank to us, if we will be the leading bank in this consortium, in this loan, we will give you loan at 7.75%. Definitely company will opt for it. So ye important point is, kuch se cover kar lenge aap log. Aage chale. Brickwork rating has projected India's GDP rate at how much percent? India's GDP rate at how much percent? Brickwork. Kya answer hai? So correct answer is 8.3% for the financial year 22. Next है, भारती एयरटेल decided to acquire how much additional percentage in Indus Tower from the Vodafone Group? Correct answer is 4.7%. ये business related news है ना, they comes in examination a lot, and we, the problem with the business news, we are unable to remember them. So the revision again and again is the only way by which we can remember them, or we will be able to answer them confidently during the examination. Axis Bank and Bharti Airtel collaborated to strengthen the digital ecosystem in India through the range of financial solution. Bharti Airtel has announced Southeast Asia, Middle East, Western Europe, that is SCMEWE6 cable consortium join करने जा रहा है भारती एयरटेल to provide very fast internet facility in India. Chief Operating Officer of भारती एयरटेल Mr. अजय पुरी re-elected as the chairperson of इंडस्ट्री एसोसिएशन फॉर द ईयर 2021-22. मींस जो टेलीकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसका चेयरपर्सन किसको इलेक्ट किया गया है? मिस्टर अजय पुरी को. अजय पुरी सर कौन है? ही इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ भारतीय एयरटेल. तो अपॉइंटमेंट्स भी आप कवर करते हुए चलें विद द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रिविजन. नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया? प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस गूगल अनाउंस करने जा रहा है, गूगल लॉन्च करने जा रहा है. इन दिस एंड्रॉइड डिवाइस विल बी एबल टू एक्सेस 1,000+ एप्लीकेशन विदाउट एनी एड्स. सो दे विल बी अ टाइप ऑफ परचेस एप, और इसमें कोई भी एड नहीं चलेगा प्ले पास में. Google collaborated with the Microsoft. Google collaborated with the MasterCard, not Microsoft, MasterCard for the tokenization purpose on the Google Pay platform. RBL Bank and Google announced a strategic collaboration to fuel the bank customer experience strategy. Google acquired Israeli cyber security startup Simplified $500 million. SIDBI and Google tied up for the support of MSME at 110 crore rupee for the micro enterprises in India. Google Pay tie up with SBI General Insurance for the health insurance products in India to launch the bank assurance pact in India. SBI, Google Pay, bank assurance. Central Depository Services Limited became the first depository in India to register more than 6 crore active demat account. Who is the chairperson of Central Depository Services Limited? Iske chairperson ka naam bataye. Who is the chairperson of Central Depository Services Limited? Bas 4-5 question aur discuss karunga because I have again a session.
तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड चेयरपर्सन इज बी वी चुबल, बी वी चुबल सर। और सीईओ हैं, और सीईओ हैं नेहल वोरा, नेहल वोरा इज द एमडी एंड सीईओ। पद्माजा चुंद्रू मैम जो हैं ये नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की सीएमडी हैं, सीएमडी ऑफ नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये याद रखना पड़ेगा ठीक है, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सर फुल जीए सिर्फ इनफ है ये, या फिर और भी कुछ कर पढ़ना पड़ेगा? भैया ये मार्च का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज है, इसके अलावा होते हैं आपके पास अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ट्रॉफीज होते हैं, राइट? तो ये बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड इकोनॉमी है, ये क्वेश्चंस हैं आपके। तो अभी इसके अलावा बहुत सारी चीजें बचती हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया किसको? विद्या बालन मैम को अपॉइंट किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ सेवन एग्जिस्टिंग सब स्कीम्स अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ रिलीफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द माइग्रेंट्स। सो करेक्ट आंसर है 1452 करोड़ रुपए का अमाउंट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द माइग्रेंट के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टिल 2025-26 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स। सो दिस इज द स्कीम। सो स्कीम इज इंप्लीमेंटेड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द माइग्रेंट, दोज हु मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन सर्च ऑफ जॉब्स, दैट माइग्रेंट लेबर्स एक्चुअली। विच बैंक कमिट 150 मिलियन लोन टू द हेल्थ केयर सेक्टर वाया समृद्ध फैसिलिटी? सो करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक कोलैबोरेटेड, एक्सिस बैंक लॉन्च्ड द लोन फैसिलिटी ऑफ 150 मिलियन फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर, ओनली फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर वाया द समृद्ध फैसिलिटी। समृद्ध फैसिलिटी की बात करें अगर हम, तो सस्टेनेबल एक्सेस टू द मार्केट रिसोर्स इनोवेशन डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ समृद्ध। सो समृद्ध फैसिलिटी वॉज लॉन्च बाय अटल इनोवेशन मिशन इन कोलॉबोरेशन विथ नीति आयोग एंड यूएसएड, इनका फैसिलिटी है। एंड अंडर दिस फैसिलिटी एक्सिस बैंक अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड $150 मिलियन ऑफ लोन। सो यू विल गेट द कंप्लीट डिटेल ऑफ समृद्ध प्रोग्राम विच यू कैन रीड फ्रॉम हियर। आगे चले, एक्सिस बैंक के पॉइंट्स हैं विच यू कैन कवर फ्रॉम द पीडीएफ। नेक्स्ट नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद IRCTC टू ऑफर डिजिटल डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज थ्रू द ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन। सो पेटीएम ने रिसेंटली IRCTC के साथ कोलॉबरेट किया है, पेटीएम ने, फॉर द ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। सो ऑनलाइन पेमेंट विद द हेल्प ऑफ UPI कैन बी मेड फॉर द प्लेटफॉर्म टिकट्स। ये प्लेटफॉर्म टिकट्स के लिए मशीन यूज होती है, आई डोंट नो यू गाइज हैव सॉ इट और नॉट, इट इज देयर ऑन द बेंगलुरु प्लेटफॉर्म्स, बैंगलोर के प्लेटफॉर्म्स पर तो अवेलेबल है, मीन्स आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म वहां पर अवेलेबल है ये, ठीक है। पेटीएम रिलेटेड पॉइंट, पेटीएम पेमेंट बैंक रिसेंटली बैंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट नॉट टू एड न्यू कस्टमर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि RBI ने बैन किया है कि नए कस्टमर एड नहीं करेगा पेटीएम पेमेंट बैंक। इट इज द फास्टेस्ट बैंक इन टर्म ऑफ UPI एट प्रेजेंट। UPI के मामले में सबसे ज्यादा कस्टमर अभी किसके पास है? फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI बेनिफिशियरी इन इंडिया पेटीएम पेमेंट बैंक है आपके पास। पेटीएम पेमेंट बैंक स्टार्टेड फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी एट काश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन इन कोलैबोरेशन विद DMRC। ये आपके पास पॉइंट्स बन गए। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज अनवेल्ड न्यू ब्रांड विदा फॉर द इमरजेंसी मोबिलिटी सॉल्यूशन एंड अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फैसिलिटी, अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फैसिलिटी? सो करेक्ट आंसर है हीरो मोटो कॉर्प ने लॉन्च किया है विदा। विदा विल बी द नेम ऑफ ब्रांड, ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। तो वो हीरो मोटोकॉर्प के जो व्हीकल्स लॉन्च होंगे उनको विदा के नाम पर लॉन्च किया जाएगा। इट इज अनवेल्ड बाय डॉक्टर पवन मुंजाल, चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प ऑन 3rd of March इन दुबई। दुबई में अनाउंसमेंट किया गया था सर इसका। विच बैंक हैज एंटर्ड इन टू द बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद स्टार हेल्थ? सो साउथ इंडियन बैंक, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, According to the data of Department of Promotion Industry Internal Trade, during April to December 2021, FDI investment in India was 43 billion.
तो 43 बिलियन का एफडीआई इन्वेस्टमेंट रहा है इंडिया में, विच इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द 16%। तो 43 बिलियन एफडीआई में डिप आया है, इनफ्लो डिप मींस एफडीआई इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है टू 43 बिलियन। अप्रैल टू दिसंबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सिंगापुर वॉज 11 बिलियन। सिंगापुर इज ऑन टॉप इन टर्म ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फॉलोड बाय मॉरिसस। तो सबसे टॉप पर आपके पास कौन है? सिंगापुर है, फॉलोड बाय यूएस, देन मॉरिसस। तो फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर है, सेकंड मॉरिसस है, सेकंड यूएस है, थर्ड मॉरिसस है। इन विच स्टेट दे हैव इन्वेस्टेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी? सो स्टेट में टॉप पर है आपके पास गुजरात। गुजरात इज ऑन टॉप इन टर्म दैट वेयर द एफडीआई हैज कीम, मैक्सिमम एफडीआई कीम इन इन गुजरात। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। विच बैंक पार्टनर्ड विथ इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड टू फंड द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ 550 टन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंटू कंप्रेस्ड बायो गोवर्धन प्लांट इन इंदौर मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर है एचडीएफसी बैंक। यस, एचडीएफसी बैंक ने कोलॉबरेट किया है। सो इट इज द लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट फंडेड बाय एचडीएफसी बैंक। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है, लोकेटेड इन इंदौर। दैट कैन बी अ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फ्यू मोर क्वेश्चन विल बी देयर इन योर पीडीएफ, गो थ्रू विद द पीडीएफ। फॉर द पीडीएफ यू हैव टू विजिट अ टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप नेम विल बी जीए जीनियस, जीए जीनियस। इस ग्रुप पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ। गाइज फॉर द ऑलिपोर्ड वेबसाइट, इफ यू आर गोइंग फॉर मॉक टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्सेज ऑफ एनी ऑफ द सेक्टर, एसएससी, बैंक, रेलवे, इंश्योरेंस, कोई भी ले रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी, यू कैन यूज द कूपन कोड ADITYA आदित्य फॉर एडिशनल 5% ऑफ। 5% आपको एडिशनल ऑफ मिल जाता है, विच इज द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द हॉलीवुड वेबसाइट। टू डू यूज इट और सजेस्ट इट टू योर फ्रेंड। आई विल बी मीटिंग यू बैक इन टीएनए। टिल दैट टाइम गाइस कीप वॉचिंग हॉलीवुड। जय हिंद।